संगी हो, जय जोहार। मैं संजीव तिवारी आज आए हूँ ओम साई एसोसिएट के सीनियर वकील राजकुमार रस्तोगी जी तीर। खबर ये आए है कि अब न्यायालय में घलो छत्तीसगढ़ी में पिटीशन स्वीकार करे जाही और छत्तीसगढ़ी में न्यायालय के फैसला ले जाही। तो वकील साहब आजकल छत्तीसगढ़ी सीखत है राजकुमार रस्तोगी जी है। तावन बात करन राजकुमार रस्तोगी जी ले कि आपला छत्तीसगढ़ी सीखे में कोई तकलीफ है का, छत्तीसगढ़ी में आपका पिटीशन बना सकूँ, छत्तीसगढ़ी में बहस कर सकूँ, बताओ राजकुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार रस्तोगी, जय जोहार। अब छत्तीसगढ़ी भाषा को भी न्यायालयीन कार्य में उपयोग करने की प्रविष्टि की जा रही है भूपेश बघेल जी के द्वारा। हालांकि 2000 से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में छत्तीसगढ़ को राज्य भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, किंतु उसको अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकरणों का निर्माण करूँ, बनाऊँ और प्रस्तुत करूँ और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही। बढ़िया बात है राजकुमार जी, तो आप छत्तीसगढ़ी बोल के बहस करूँ, जैसे तैसे प्रयास करूँ। नहीं गा, अभी अतिक छत्तीसगढ़ी बोला भाषा नहीं आते, लेकिन कोशिश करूँ कि मैं भी छत्तीसगढ़ी में ही बहस और अपन तर्कला प्रस्तुत करूँ न्यायालय के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा बात है। एकर साथ ही हम हमर तीर एक वकीलिन बहनी भी है, उहू मन हाँ प्रयास करत हैं छत्तीसगढ़ी में बात करे के, वो छत्तीसगढ़ी में बहस करे के। तो मैं उकर से भी गोट बात करना चाहूँ। तो मैडम, आप तीर घलो थोकन छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहत हूँ। आप तो सुने हो अभी राजकुमार सर हा बताइन, तो थोड़ा अपन परिचय दो, वो थोड़ा छत्तीसगढ़ी के न्यायालय में छत्तीसगढ़ी आए के बारे में कुछ बताओ। सर नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। मैं भी चाहूँगी कि शुरुआत हाईकोर्ट से हो छत्तीसगढ़ी बोलने की। बहुत बहुत बढ़िया बात। और छत्तीसगढ़ी में ही प्लान तैयार करने की, और आप छत्तीसगढ़ी में बहस करे के कोशिश करो। तैयार है, कोशिश करेंगे, आती भी है। थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी बोल के हमारे श्रोता मल बताओ, जय जोहार कराओ। जय जोहार। बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी।